हरितालिका तीज का पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, सौभाग्य एवं कुंवारी कन्याओं के लिए इच्छित वर प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत की कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती पते हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न कर पाई, इसलिए उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया और वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दे, क्योंकि पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में लेकर चली गईं। जंगल में अपने सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया और यह कठोर तपस्या 12 वर्ष तक चली। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। ओम नमः शिवाय।